गोधिया गन्ना विकास परिषद गुलरिया और आप प्रगतिशील युवा कृषक हैं मिस्टर अंग्रेज सिंह जी, और इनके प्लाट पहले भी मैं दिखाता रहा हूँ पौधे के, और ये जो है पेड़ी है। तो अंग्रेज सिंह बताइए, ये आप ही बताएं तो किस प्रजाति की पेड़ी है? सर ये कोसा 13231 अर्ली प्रजाति है। तो ये अर्ली गन्ना प्रजाति है, तो ये बताइए पिछली बार आपने कैसे पौधा लगाया था, एक बार फिर बताइए। सर इसमें लाइन से लाइन की दूरी थी 5 फीट। 5 फीट है बिल्कुल, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट दिख भी रही है। और ये पौधे कितनी दूर पे लगाए थे? पौधे से पौधे की दूरी है ये 1.5 फीट। अच्छा ये 1.5 फीट है। पौधे से पौधे की दूरी। अच्छा, और ये सर 27 अक्टूबर को लगा था। 27 अक्टूबर को पौधा लगा था, 27 अक्टूबर 2020। और फिर आपने इसकी इसको पौधे को काटा कब? काटा सर इसका पौधा कटा है ये फरवरी में, लास्ट फरवरी में। अच्छा, तो कितना उत्पादन इसका हो गया पौधे का? 400 प्लस गया। अच्छा 400 प्लस गया था पौधे का। अच्छा अच्छा, जैसे आगे आगे पिछले साल से मतलब गन्ना काफी मोटा है। अच्छा अब ये बताइए कि अब ये कितना हो जाएगा पेड़ी, पौधे से ज्यादा होगा या पौधे से कम? पौधे से ज्यादा। अच्छा, पौधे में अगर आपने एकड़ में 400 क्विंटल काटा था इसको, 400 क्विंटल काटा था एकड़ के हिसाब से, तो अब कितना काटेंगे पेड़ी? बहुत लंबी पेड़ी सर, पेड़ी भी पौधे से ज्यादा ही है। अब बताइए, अनुमान लगाइए कुछ। अब तो हाइट दिख रही है इसकी, हाइट अभी पौधे से भी हाइट इसकी ज्यादा ही है। पौधे से हाइट ज्यादा है, ज्यादा ही है। तो फिर कितनी माने कितनी हो जाएगी? मतलब टिलरिंग भी ज्यादा है। टिलरिंग भी ज्यादा है। पौधे में औसतन कितने गन्ने बने थे एक बड से? एक बड से 8 से 10 गन्ने। और इसमें? इसमें सर 12-13 गन्ने। 12-13 बिल्कुल, यानी पेड़ी में ज्यादा बने हैं। 12-13 गन्ने। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत गन्ने, 12-13 गन्ने। तो उससे ज्यादा हो जाएगी हर एक में। सही कह रहे हैं, काफी टिलर हैं ये। पतली जरूर है, पतला जरूर, लेकिन गन्ने काफी बन जाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। सर बहुत फायदेमंद। और ये जहाँ जलभराव की स्थिति है जैसे खल्ले के लिए, निचले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। और पेड़ी तो अगली बार भी हो जाएगी इसकी। बिल्कुल, कितनी पेड़ी इसकी ली जा सकती है अब तो आप अनुभव के आधार पर बता सकते हैं? पेड़ी सर जैसे ही इस साल ये सेम। अच्छा अगली बार भी हो जाएगी, बिल्कुल, तो तीसरी पेड़ी भी लेंगे? तीसरी पेड़ी भी लेंगे। अच्छा मतलब बहुत अच्छी प्रजाति है, तीसरी पेड़ी भी इसकी हो जाएगी, बहुत अच्छी। हाँ हो जाएगी बिल्कुल। और पौधे से पेड़ी अच्छी है, और हाइट आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी है। अच्छा रेटून मैनेजर, RMD भी चला है देखिए इसमें, RMD का प्रभाव आप देख रहे होंगे, RMD इसमें चलाया गया है। हाँ और RMD चला है तो RMD का प्रभाव भी दिख रहा है कि एक समान सारे गन्ने बने हुए हैं, है देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि RMD सब फूटों को बिल्कुल बराबर कर देती है। और बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, ऐसे कृषक जो जहाँ जल भराव है वहाँ अच्छी प्रजाति की तलाश में है तो कोसा 13231 इसकी बुआई कर सकते हैं। ये अर्ली में भी है यानी शीघ्र प्रजाति है, कीड़े मकोड़े इसमें बहुत कम लगते हैं, रोग भी बहुत कम लगता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल रोग, क्योंकि ये कड़ी है, निरोग गन्ना है। और क्योंकि CO 98014 में इस बार थोड़ा रेड रॉट कहीं देखा गया है, शारदा नदी का जो तराई क्षेत्र है तलैटी लखीमपुर में। हाँ इसको जानवर भी नहीं खाते हैं भाई, ये क्योंकि कड़ा है थोड़ा, देखिए पतला है लेकिन कड़ा है ये, ज्यादा तो उतने गन्ने बन जाते हैं। और जहाँ किसान अगर बुआई करेगा तो गन्ना मोटा हो जाएगा। हाँ क्योंकि तो पौधा लगाने से टिलिंग ज्यादा होती है। अच्छा, तो ज्यादा होने की वजह से हमने ये देखा है, एक अपना अनुभव किया है कि पौधा ज्यादा अगर जहाँ टिलिंग है तो गन्ना पकता। तो ये देखिए पूरा जो आप देख रहे होंगे ये 13231 ही है, बड़ा अच्छा गन्ना। ये इधर से लगा के जो इधर आप देख रहे हैं ये भी 13231 है। और गन्ने देखिए पतले हैं लेकिन गन्ने ठीक हैं, ये देखिए, ये क्योंकि नई प्रजाति यहाँ आई थी, पतले हैं लेकिन गन्ने बहुत बनते हैं, अच्छी है। और इसका अगोला हमेशा हरा रहता है, अगोला अगर इसको मई तक खड़ी रहेगी तब भी ये अगोला हरा ही रहेगा और हमेशा ये ग्रोथ करती रहती है। बहुत अच्छा है और तराई के लिए काफ़ी अच्छी है।